हाँ देखिए इधर क्या है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्टिव देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे 5 नंबर का पूछता है ये सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों। ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्टिव के एफ और 2F के बीच में रखते हैं। आपको याद है ना कि एफ और 2F के बीच में रखते हैं तो उधर इमेज बड़ा बनता है 2F के पीछे, ये सब याद है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग रे डायग्राम बना लेते हैं। तो रे डायग्राम में क्या करेंगे, यहाँ से रे भेजेंगे जो कि इसके फोकस इधर होगा कहीं, तो उससे होके ऐसे करके जाएगा और एक रे को सीधा भेजा जाए वहां जाके मिला है, तो इसका इमेज यही ना बनेगा। तो चलिए इसको हमने बोल दिया पी डैश और क्यू डैश, क्लियर। अब सुनो, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से रखते हैं ना कि ये जो इसका इमेज बना है जो कि इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। क्यों इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है इन दोनों रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट है, और ये दोनों रेज इसके लिए रिफ्रेक्टेड रेज है, रिफ्रेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट इमेज बनाता है। अब ये दोनों रेज आगे बढ़ के इससे भी तो टकराएंगी, तो ये रे मैंने हालांकि आगे बढ़ाया नहीं है मैंने, अरे बोलो ना बढ़ाया नहीं है, लेकिन मन ही मन तुम बढ़ा के देख लो, तो अगर ये आगे ऐसे बढ़ता यहाँ जाता और ये लेंस थोड़ा और बड़ा होता है और ये भी जाके ऐसे यहाँ जाता, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये दोनों रेज इसके लिए रिफ्रेक्टेड रेज है लेकिन इसके लिए इंसिडेंट रेज है, इसीलिए इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो इसके लिए तो इमेज होगा लेकिन उसके लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो हम इसको कुछ इस तरीके से रखते हैं कि इसका जो इमेज बना है जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा वो इसके फोकस के, इसके इसके फोकस के उधर रहे, यानी कि कहीं ना कहीं ये लेंस इसके लिए एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा। ओ माय गॉड, अरे सिंपल माइक्रोस्कोप में भी हम लोगों ने यही ना किया था, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, फोकस के बाद ही ना रखा था। हाँ बस इतना था कि इसमें ऊपर था इसमें नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रे डायग्राम तो वैसा ही ना बनेगा। तो आइए अब इसको ऑब्जेक्ट मानते हुए इस लेंस के लिए हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं और एक लाइन को हम लोग ऐसे सीधा ड्रॉ करते हैं। सीधा है क्या, हाँ ठीक है चलेगा सीधा है। अब ये रिफ्रैक्शन के बाद इसका फोकस कहीं उधर होगा, उससे होके जाएगा। बोलिए एक रे को आप ऑप्टिकल सेंटर से भेजिए, अब ये दोनों रे तो डाइवर्जिंग ना हो जाएंगी, आपने फोकस के बाद रखा है, अरे बोलिए जल्दी, तो डाइवर्जिंग हो जाएंगी का मतलब हुआ कि उधर तो नहीं मिलेंगे, हमको कहाँ बढ़ाना होगा, पीछे बढ़ाना होगा। तो आप इन दोनों रेज को पीछे बढ़ाइएगा, मान लीजिए कहीं यहाँ पर जाके वो मिला, तो यही ना आपका फाइनल इमेज रहेगा, फाइनल इमेज यही रहेगा। और इसको हम लोगों ने कह दिया पी डबल डैश क्यू डबल डैश, यानी आप अपनी आंखों से जब देखिएगा तो आपको क्या दिखेगा, ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट थोड़े दिखेगा, ये तो नेकेड आई से ना आपने देखा था, बढ़िया है, ये दिखेगा क्या, ये थोड़े बना है, ये तो इंटरमीडिएट इमेज है, फाइनली आपको यही ना दिखेगा। हाँ तो ये चीज आपको दिखेगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला डिस्टेंस कितना है, तो ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव, इसीलिए यूओ से दिखाया गया, ठीक है। बताइए ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस है इमेज डिस्टेंस फॉर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था इसके लिए और ये इमेज है इसके लिए, तो इमेज डिस्टेंस को वी से दिखाते हैं ना बाबू, लेकिन ये उसके लिए इमेज था लेकिन इसके लिए, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से दिखाया जाता है और चूंकि आईपीस के लिए है तो हमने नीचे में ऐसा यू ही लिख दिया। और फाइनली बताइए ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, तो ये वाला डिस्टेंस हुआ इमेज डिस्टेंस फॉर आईपीस, तो इसको हम लोग भी से दिखा लेंगे, अरे बोलिए जल्दी। तो ये था आपका रे डायग्राम, ये क्या था, रे डायग्राम था। और बाबू अगर मैं आपसे पूछूं कि इमेज ने आपकी आंखों पे कितना एंगल सबटेंड किया, क्योंकि वही तो जरूरी है, तो कितना एंगल सबटेंड किया है, इमेज यही ना है, चलो कोई बात नहीं इसको मैं थोड़ा गड़ा के ड्रॉ कर देता हूँ, यही ना आपको दिखने जा रहा है, और आपकी आंखें देखिए यहाँ है, आपकी खूबसूरत आंखें यहाँ है, देखिए ये है आपका, ठीक है। तो इसने आपकी आंखों पे कितना एंगल सबटेंड किया है ये जानने के लिए हम, अरे इसके दोनों एंड्स पॉइंट्स को
आपकी आंखों के पास ले जाकर मिलाएंगे ना, तो एक लाइन आप यहां से ड्रॉ कर लीजिए, एक लाइन आप यहां से ड्रॉ कर लीजिए, बोलिए। तो इतना ही एंगल ना इसने आपकी आंख पे सबटेंड किया है, और इसी को ना हम लोग बीटा बोलेंगे। तो चलिए अब हम लोग लिखेंगे टेन बीटा। क्या लिखेंगे? टेन बीटा। अब टेन बीटा लिखने के लिए आपके पास दो दो ट्रायंगल्स है, एक देखिए ये छोटका ट्रायंगल है और एक देखिए ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। बताइए हम कौन सा ट्रायंगल देखेंगे? आपको याद होगा हमने ये सेम चीज पिछले वाले केस में भी देखा था, और पिछले वाले केस में भी आपने कहा था बड़ा वाला, और पिछले वाले केस में भी मैंने कहा था कि ना छोटा वाला, क्योंकि बाबू अगर ये वाला ये जो इमेज है घूमते फिरते अगर इसके फोकस पे आ जाए, इसके फोकस पे आ जाए तो इमेज कहाँ पहुंच जाएगा? इनफाइनाइट पे। और उस केस में बड़ा वाला ट्रायंगल अनडिफाइंड हो जाएगा, लेकिन छोटा वाला ट्रायंगल स्टिल डिफाइंड रहेगा। तो इसीलिए हम लोग लेंगे छोटा वाला ट्रायंगल। तो छोटे वाले ट्रायंगल में बताइए क्या लिखा जाए? अरे टेन बीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, बोलो जल्दी क्या लिखा जाए? तो पी डैश क्यू डैश आर डिवाइडेड बाई, तो हम लोग यू ही लिखें, डायरेक्ट यू ही लिखें, लेकिन साइन के साथ ना लिखेंगे, और चूंकि लेंस के सामने है, अरे इंसिडेंट रेज इधर जा रही हैं, और हमको ऑप्टिकल सेंटर से इधर ना जाना है ये वाला डिस्टेंस लिखने के लिए, क्योंकि ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम क्या, तो चूंकि आप इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए आप इस यूई को कैसे लिखिएगा? माइनस यूई लिखिएगा। क्लियर है? अब सुनिए, ऐसा नहीं है कि चींटी का फोटो देख रहे हो तो डायनासोर दिखने लगेगा तुमको, थोड़ा सा बड़ा होगा, 5 गुना 10 गुना बड़ा होगा। तो हम ये भी मान के चलेंगे कि ये बीटा भी बहुत छोटा है। बीटा भी क्या है? बहुत छोटा है। तो बाबू अगर बीटा छोटा है तो टेन बीटा की जगह हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं? बीटा लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका पी डैश क्यू डैश और डिवाइडेड बाई क्या? माइनस यू। इज इट क्लियर? बोलिए जल्दी। अब हमको करना बस वही है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बीटा अपॉन क्या? अल्फा। बीटा की जगह पे लिखा जाएगा पी डैश क्यू डैश। एक बार में समझने की कोशिश करना, एक बार में, दोबारा में बोल के बोल रहा हूं, नहीं समझाऊंगा। हाँ, माइनस यू और डिवाइडेड बाई अल्फा की जगह क्या लिखा जाए? पी क्यू और डिवाइडेड बाई, ऐसा माइनस डी होगा। बहुत बढ़िया कि माइनस से माइनस कट गया, और मिला जुला के देखा जाए तो बाबू मैग्नीफाइंग पावर क्या आया? तो एक काम करो ना, पी क्यू वालों को एक साथ रखो, पी डैश क्यू डैश और डिवाइडेड बाई क्या? पी क्यू, इनको एक साथ रखो, आई डी कूद के ऊपर जाएगा तो डी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? ऐसा यू ही आ जाएगा। अभी थोड़ा सा अजीब अजीब सा पी डैश क्यू डैश पी क्यू सब आ रहा है, बोलो। कोशिश करते हैं कि हम इसको यहां से हटाएं। तो आप वो ट्रायंगल्स ढूंढिए जिसमें ये पी क्यू और पी डैश क्यू डैश आपको दिखे। ये देखो पी क्यू दिख गया, और ये देखो पी डैश क्यू डैश दिख गया। तो अगर हम थोड़ा ध्यान से इस वाले ट्रायंगल को देखें, इस वाले ट्रायंगल को, और बाबू इस वाले ट्रायंगल को, अरे बोलो जल्दी, क्या तुमको ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स नजर आ रही हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स इसीलिए क्योंकि ये थीटा, तो ये भी कितना वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये बच्चों 90 डिग्री, तो ये भी कितना 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा कि नहीं? तो चूंकि तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स होंगी सिमिलर, और दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनके साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि सिंस कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू इज सिमिलर टू द ट्रायंगल ओ पी डैश और क्या क्यू डैश ना। तब एक काम करते हैं, इस बड़े वाले ट्रायंगल में जो रोल पी डैश क्यू डैश प्ले कर रहा है, इस छोटे वाले में वो कौन प्ले कर रहा है? पी क्यू प्ले कर रहा है। अरे मेरा मकसद ही था ये क्रिएट कर लेना, हो गया है क्रिएट। बराबर बड़े वाले ट्रायंगल में ओ पी डैश लिखोगे तो ये हो जाएगा ओ पी डैश डिवाइडेड बाई, छोटे वाले ट्रायंगल में ओ पी ना हो जाएगा तो ये हो गया आपका ओ पी। तो इसको इक्वेशन अगर कुछ बोला जाए, अरे बोलो कुछ कहना, थर्ड है बोल लीजिए थर्ड, इसको क्या बोला जाए, फोर्थ बोला जाए, तो क्या हम पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू की जगह पे इसको ले जाके पुट कर दें? तो उस केस में बताइए मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या आ रहा है, बोलिए जल्दी। हाँ, इसकी जगह पे देखिए ओ पी डैश डिवाइडेड बाई ओ पी रख रहा हूँ मैं, तो ओ पी डैश डिवाइडेड बाई ओ पी, और ये हो गया डी अपॉन
यूई, वेरी गुड. तो डी अपॉन यूई. बोलिए जल्दी. अब सुनिए, ये हाँ ये वैल्यूज पुट कर लीजिए. ये ओपी डैश क्या है? ओपी डैश क्या है? इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव. ठीक है, तो हम ओपी डैश की जगह भीओ रखेंगे, आप प्लस में भीओ रखेंगे, क्योंकि हम ओ से पी डैश जा रहे हैं तो इंसिडेंट रे के ही ना डायरेक्शन में जा रहे हैं. इस पूरे सिचुएशन में इंसिडेंट रेज इसी डायरेक्शन में जा रही हैं. हाँ, तो ओपी डैश की जगह प्लस में भीओ रखा जाएगा. और बाबू बताओ, हाँ आगे ओपी क्या है? पहले लिखिए ना लो, इसकी प्लस भीओ लिख लिए. ओपी क्या है? ओपी बताओ, यूओ है. प्लस में कि माइनस में? बहुत बढ़िया, माइनस में. तो माइनस में यूओ है ये. अब बाकी आपका डी अपॉन यूई तो रहेगा ही. ये मिला आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, और ये मैग्निफिकेशन एंगुलर मैग्निफिकेशन है. ये कौन सा मैग्निफिकेशन है? एंगुलर मैग्निफिकेशन है. ठीक है, चलिए अब सुनिए. भले ये फॉर्मूला आ गया तो क्या है, कोशिश करेंगे कि हमको ये याद भी रहे, लेकिन इसका ज्यादा यूज नहीं होता है. इसलिए नहीं होता है ना, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट यूई नहीं है. आप बताइए, क्या हमको ये दिखता है? अरे हमको ये ना दिखता है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है? ये इंपॉर्टेंट है. तो हम कोशिश करेंगे यूई को वी के टर्म में लाके लिखें. तो बताओ ना, यूई है चाहे वी है, ये सब इसी के लिए ना है, इसी की ना प्रॉपर्टी है. तो बात करेंगे फॉर आई पीस. किसकी बात करेंगे? फॉर आई आई पीस. हाँ, लेंस फॉर्मूला हमको लिखना है. बच्चों लेंस फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f. तो बताओ आई पीस के लिए भी जो है वो भी ही है, और इधर है तो नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 1/-v. 1/ क्या? माइनस भी. माइनस 1/u ना. ए बाबू, तो यू जो है वो भी तो माइनस है में ना है, सब तो सामने ही है. तो ये हो जाएगा आपका माइनस यूई इज इक्वल टू 1/fe. एफ ई हो जाएगा, सब आई पीस के लिए लिखा जा रहा है. अब बताइए माइनस माइनस मिलके क्या होगा? प्लस हो जाएगा. तो यहां से तुम लोग नहीं समझ रहे क्या? यहां से 1/, ये यूई रहेगा, और इसको माइनस को उधर लेके जाओगे तो प्लस 1/fe + 1/ क्या वी, ऐसा करके हो जाएगा. अब एक काम करिए, 1/ue की जगह पे, हेलो किसकी जगह पे? 1/ue की जगह पे इसको ले जाके पुट कर दीजिए. तो आप बताइए आपको मैग्नीफाइंग पावर कितना मिला? वीओ डिवाइडेड बाई, हाँ सामने माइनस भी है, और डी को रहने दीजिए, 1/ue की जगह पे 1/fe + 1/ क्या वी, ऐसा ये कर लीजिए. तो इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, क्योंकि हमको दिखता तो भी ही ना है. अरे बोलो बाबू, ये इंपॉर्टेंट है. लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके दो केसेस होंगे. एक होगा रिलैक्स डाई कंडीशन वाला केस, और एक होगा स्ट्रेन डाई कंडीशन वाला केस. माने हमको जो भी इमेज दिखेगा वो ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर दिखेगा? कितनी दूर दिखेगा? इनफाइनाइट. तो हम लोग बात करेंगे कि इफ वी क्या हो जाए? इनफाइनाइट. और ये हो गया आपका, हाँ, क्योंकि इनफाइनाइट की चीजों को देखते समय हमारी आंखें सबसे ज्यादा रिलैक्स होती हैं. तो ये हो गया आपका रिलैक्स्ड आई कंडीशन. ठीक है, तो क्या किया जाए बताइए. माइनस वीओ बाई यूओ तो आपका रहेगा ही, डी तो रहेगा ही, 1/fe भी रहेगा ही. बस यही ना, 1/∞ हो जाएगा, और समथिंग अपन इनफाइनाइट कितना होता है? जीरो होता है. तो इस केस में आपको मैग्निफिकेशन मिला माइनस वीओ अपॉन यूओ और डी अपॉन क्या एफ ई. अरे यहां से 1/fe ना सिर्फ मिल रहा है, तो ये वाला मैग्निफिकेशन आपको मिला. ये आपको याद करना पड़ेगा. अब आपको लग रहा होगा कि सॉरी, तो बहुत भारी चीज है याद करने के लिए. मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ेगा इसको याद करने के लिए. लेकिन उससे पहले दूसरा केस देख लेते हैं. अगर मान लीजिए इमेज को हम सबसे मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे बनाना चाहते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हम इमेज को कहाँ बनाना चाहते हैं? डी पे. यानी जो फाइनल इमेज जिसको हम भी से दिखा रहे हैं,
ओए फाइनल इमेज जिसको हम वी से दिखा रहे हैं वो कितना हो जाए बताइए, अगर डी हो जाए तो इसको बोला जाता है स्ट्रेन्ड आई कंडीशन, ना आंखों पे सबसे ज्यादा जोर पड़ेगा। अब इस फॉर्मूले में हम वी की जगह पे क्या डाल दें, डी डाल दें, बढ़िया है। तो मैग्निफिकेशन आपको मिला माइनस वी ओ अपन क्या यू ओ डी, और बाबू वन अपन एफ ई तो रहेगा, अब प्लस वन अपन क्या डी हो जाएगा। एक काम करो लगे हाथों, काहे के लिए एक्स्ट्रा लाइन हम लोग लिखेंगे, इसे डी को अंदर भेज दें, बोल ना रे, तो डी अंदर जाएगा, चाहे रहने दो लिख ही लेता हूं मैं, माइनस वी ओ अपन यू ओ, डी को अंदर भेजोगे तो डी अपन एफ ई प्लस कितना हो गया। अगर इमेज तुम बना रहे हो डी पे तो मैग्निफिकेशन मिलेगा इतना, इमेज अगर बना रहे हो इनफाइनाइट पे तो मैग्निफिकेशन मिलेगा इतना। ये दोनों हमको याद होना चाहिए, ठीक है। आप देखिए आपके किताब में भी ये सब लिखा हुआ है, यहां भी सामने में है, कहीं कुछ दोबारा समझना है तो पूछिए। कितने लोगों को ये समझ में आ गया है, नहीं ईमानदारी से हाथ उठाओ, आया है तो हाँ ठीक है, रहन दो। मैं पांच आदमी गिन रहा था, पांच से ज्यादा लोग हैं, ठीक है। अरे मैंने पांच आदमी को अगर समझ में आ गया है इसका मतलब है कि मैंने ठीक से समझाया है, नहीं समझ में आना हो तो एक आदमी को भी नहीं समझ में आता। आगे बढ़े, अब सुनिए मैं क्या इन दोनों को याद करने का ट्रिक आपको बताऊं। हाँ, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट सीखिए आप। अगर कुछ लेंसेज हैं, जरूरी नहीं है कि खाली कॉन्वेक्स ही हो, कॉन्केव कॉन्वेक्स कुछ भी है, ये मैग्निफिकेशन पैदा करता है M1, ये पैदा करता है, ये पैदा करता है, और सामने में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसका नेट मैग्निफिकेशन कितना होगा, अगर ये आपको जानना है तो आपको तीनों मैग्निफिकेशन को क्या करना पड़ेगा। ये मान लो दो गुना मैग्निफिकेशन करता है, ये तीन गुना करता है, ये मान लीजिए चार गुना करता है, तीनों मिल के कितने गुना मैग्निफाई कर देगा, कितने गुना मैग्निफाई कर देगा, सोच के बताइएगा, बढ़िया से सोच के बताइए। रे पागल, किसी चीज को ये दुगुना कर देता है, मान लो वो चीज एक सेंटीमीटर की है तो इसने दुगुना कर दिया का क्या मतलब हुआ, इसने दो सेंटीमीटर बना दिया, अब उस दो सेंटीमीटर को ये तीन गुना करेगा तो कितना हो जाएगा। अब ये दो सेंटीमीटर को ना अब ये तीन गुना करेगा तो ये छह सेंटीमीटर हो गया, अब उस छह सेंटीमीटर को ये तो छह का चार कितना होता है, तो कौन हिसाब से तुम लोग नौ बता रहा था, रे तुम लोग जोड़ के बता रहा था, जुड़ेगा नहीं, हमको क्या करना होगा बताइए, अरे हमको क्या करना होगा। हाँ तो ये चीज आप कहीं अपनी किताब में लिख लीजिए जल्दी। कुछ लेंसेज हैं, ठीक है, कुछ लेंसेज हैं जिनका इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन अगर M1, M2 और M3 है तो तीनों मिल के जो मैग्निफिकेशन पैदा करेगा वो होगा M1 into M2 into M3, तीनों को आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, हो गया। अब चलो हटा दो इसको, चलो इसको मिटाता हूं मैं यहीं से। सुनिए, ये है आपका ऑब्जेक्टिव और ये कौन था, रे आईपीएस था। अब सुनो बच्चों, ऑब्जेक्टिव जो है वो एक नॉर्मल लेंस की तरह बिहेव कर रहा है और आईपीएस जो है वो एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं। तो नॉर्मल लेंस कितना मैग्निफिकेशन करता है, वी बाई यू। अरे यार,
अरे मिरर का मैग्निफिकेशन माइनस वी बाई यू और लेंस का मैग्निफिकेशन वी बाई यू, यही ना पढ़ा है हम लोगों ने? अरे बोलो जल्दी। तो अगर मैं पूछूं कि ये कितना मैग्निफिकेशन करेगा, इसको अगर एम वन बोला जाए तो हम लोग वी ओ बाई यू ओ ही ना लिखेंगे। ये नहीं समझ में आया? देखो क्या ये मतलब अभी रटना पड़ेगा कि पहले से पता है? लेंस है तो वी बाई यू देगा, लेकिन ये जो है ये कोई नॉर्मल लेंस की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, यही फाइनली आपको इमेज दिखाने वाला है। बोलो हाँ। और ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है। और बच्चों सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में हम लोगों ने मैग्निफिकेशन पढ़ा है दो दो टाइप का। पहला पढ़ा है डी बाई और दूसरा पढ़ा है डी बाई ए प्लस वाह। लेकिन आई पीस है तो यहाँ हम ई लगा दें। ये कब के लिए है? इनफाइनाइट के लिए। ये कब के लिए है? आपको याद आया? अब अगर आपके आपसे किसी ने कहा कि आप मैग्निफिकेशन बताइए पूरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, अब लीजिए कब बताइए, कब बताइए? इनफाइनाइट वाले केस में बताइए। तो हम क्या करेंगे? एम वन इंटू एम टू ही ना करेंगे? तो एम वन की जगह पे हम लिखेंगे वी ओ बाई यू ओ, एम टू की जगह पे अब इनफाइनाइट का केस है। शांत हो जाइए। इनफाइनाइट के केस में ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह अगर बिहेव कर रहा है तो इसका मैग्निफिकेशन डी बाई, तो एम वन इंटू एम टू का मतलब हुआ दिस इंटू दिस का मतलब हुआ डी अपॉन क्या? और तुम ध्यान से देख कर बताओ ना, यही नहीं आया था क्या? वी ओ बाई यू ओ इंटू डी अपॉन, बस अपनी तरफ से आपको एक सामने में। और ये माइनस साइन बताता है कि जो फाइनल इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में उल्टा बना, बस इतना ही बताता है, बाकी अमाउंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे बोलो। अब किसी ने कहा कि ना हमको तो मैग्निफिकेशन चाहिए। कब हमको मैग्निफिकेशन चाहिए? जब फाइनल इमेज कहाँ बन रहा हो? डी पे बन रहा हो। तो क्या करेंगे? एम वन इंटू एम टू ही ना करेंगे? ये तो बेचारा नॉर्मल लेंस का काम कर रहा है। हाँ, इसका मैग्निफिकेशन हो जाएगा वी ओ बाई यू, और ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है, और सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन डी वाले केस में होता है डी अपॉन एफ प्लस वन। तो बाबू लिखा जाएगा डी अपन एफ की जगह एफ ई प्लस क्या वन है, सामने वहां अपने से क्या लगा देंगे, क्योंकि फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में उल्टा है। क्या बोलते हो? तो तुम बताओ क्या तुम इसको सही में रटोगे क्या? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? आसान कॉन्सेप्ट है कि नहीं? हाँ, तो रटा तो मैंने भी नहीं है, मुझसे भी पूछोगे? और ऐसा थोड़े कि दो मिनट समय लग जाएगा, वो एक सेकंड में हो जाएगा। चलिए दो सेकंड में हो जाएगा और देखते पता चल जाएगा कि ठीक है। तो ये हो गया इसका मैग्निफिकेशन, ठीक है। गरीब आदमी पे काहे तू लोग अत्याचार करता है, हैं? गरीब आदमी से नासा का बात कर रहा है तू? हाँ बोलो। नासा का सैटेलाइट? हबल टेलीस्कोप? नहीं, उससे बढ़िया टेलीस्कोप अब आ गया है, जेम्स हॉब टेलीस्कोप आ गया है। तो तुम हबल काहे बोल रहा है? मैंने तुमको, तुम सामने वाले से सवाल पूछ रहा है और सामने वाले को तुम्हारे सवाल को करेक्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग कल मिलते हैं।